हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटिया। तो लास्ट क्लास में हम स्पेशल केसेस ऑफ डीर कॉग्निशन पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते। तो लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था, लेकिन नोट्स नहीं लिखे थे। तो इस क्लास के स्टार्टिंग में सर ये नोट्स लिखवाए थे, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात आती है स्पेशल केसेस में क्या क्या रैंक है। हमने विद रिकोर्स कर लिया था, एक ऑप्शन कर लिया था, एक रीपरचेज किया था। अब बचता है गारंटी और IRS, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है गारंटी। तो आइए देखते हैं कि गारंटी वाले टॉपिक में है क्या। एंड वन मोर थिंग, जो बैंक गारंटी वाले नोट्स हैं वो इसी क्लास की स्टार्टिंग में सर ने लिखवा दिए थे, तो अभी हम सीधा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बात याद है कि बैंक गारंटी होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर ने एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल लिया था। उसमें क्या था कि बच्चों ने सर से गारंटी मांगी, जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने सर से गारंटी मांगी कि आप हमें गारंटी दो कि एक पर्टिकुलर डेट तक आपका ये वाला बैच कंप्लीट कर दोगे। तो सर ने भी कहा कि ठीक है, गारंटी देता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि आपकी गारंटी नहीं चाहिए हमें, हमें कोई तीसरा जो पर्सन है वो गारंटी दे। तो सर ने कहा ठीक है, बैंक के थ्रू आपको गारंटी दिलवा देते हैं। तो सर फिर बैंक के पास गए गारंटी लेने, बट बैंक ने भी कहा कि मैं ऐसे ही फालतू में गारंटी क्यों दूँ। तो सर ने कहा कि ठीक है, मेरे जो स्टूडियो है वो गिरवी पर रख लो, आप स्टूडियो रख लो सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो बैंक ने कहा ठीक है, स्टूडियो तो मैं रख लेता हूँ सिक्योरिटी के फॉर्म में, बट फिर भी बैंक कहता है कि मुझे गारंटी देके क्या फ़ायदा। सिंपल सी चीज़ है, बैंक ऑन बिहाफ ऑफ सर जो है वो हमें बच्चों को गारंटी तो दे देगा, लेकिन अगर सर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक को पैसे देने पड़ जाएंगे। अब बैंक रिस्क भी ले इतना ज़्यादा, तो इसमें बैंक का बचता क्या है। तो सर ने कहा कि चलो ठीक है, आप फीस ले लो। तो बैंक जो होता है ना वो बहुत लालची होता है, तो उनका ठीक है मुझे फीस मिल रही है, मान लेते हैं 10,000 रुपये मिल रहे हैं इस गारंटी के, और कुछ हो भी गया तो सिक्योरिटी तो है ही। मान लो कल को सर ने बच्चों के पैसे नहीं भी दिए तो सिक्योरिटी तो बैंक के पास गिर भी पड़ी ही है, तो उसमें से देख लेंगे। तो इस केस में सर बैंक जो है वो सर को गारंटी दे देता है, और सर जो है वो उस गारंटी को बच्चों को दे देते हैं। अब इसमें बात ये आती है, क्या बैंक गारंटी के पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल जी, बैंक जो है वो कमीशन चार्ज करता है गारंटी देने के लिए। तो जिस दिन बैंक गारंटी देता है उस दिन बैंक क्या एंट्री करता है? तो बैंक एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी। अब इसमें दो चीज़ें हो रही है, बैंक का एक एसेट भी बन रहा है और एक लायबिलिटी भी बन रहा है, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या एंट्री करी? जिस दिन हमने गारंटी ली उस दिन बैंक ने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी। और इसी के साथ बैंक एक और एंट्री करता है CIA डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एसेट। CIE का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एसेट। अब ये जो कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एसेट डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अब CA का मतलब थोड़ी देर में समझते हैं, पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि करना क्या होता है। अब पहले दिन बैंक ने जब गारंटी दी तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी 10,000 10,000, और एक और एंट्री करी CIA डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी 1,00,000 1,00,000। अब 1,00,000 क्यों करा यहाँ पर? क्योंकि 1,00,000 की सिक्योरिटी थी, जो सिक्योरिटी मिली थी बैंक को वो 1,00,000 रुपये की थी। तो अब क्या होता है, एक लास्ट दिन आता है इस चीज़ का, गारंटी का, जिस दिन ये गारंटी एक्सपायर होने वाली होती है। तो जिस दिन ये गारंटी एक्सपायर होती है और मान लेते हैं कि सर ने जो था वो पेमेंट कर दिया है, सर ने ही ऑनर कर दिया उस चीज़ को, तो हम एंट्री क्या करते हैं? एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू P&L। यहाँ पर 10,000 ही आएगा वैसे, अभी वो बीच में एक और एग्जांपल लिया गया इसलिए 6,000 लिखे हैं यहाँ पर, आप समझो कि यहाँ पर 10,000 ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या एंट्री करी थी पहले दिन? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी। और लास्ट दिन जिस दिन एक्सपायर हो गया, अब हम क्या एंट्री कर रहे हैं? एसोसिएट लायबिलिटी। लायबिलिटी थी हमारी वो ख़त्म कर दी हमने, और सारा का सारा हमने प्रॉफिट बुक कर दिया 10,000 रुपये का। और क्या एंट्री करेंगे? अगर क्लाइंट ऑनर कर लेता है तो हम एक और एंट्री करेंगे। हमने यहाँ एक एंट्री करी थी CIA डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी 1,00,000 1,00,000। अब हम इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू CIA। अच्छा, लेकिन अगर बैंक को पैसे देने पड़ जाते हैं तो क्या इसमें एंट्रीज होती हैं? अगर बैंक पैसे देता है तो अगर बैंक ऑनर कर रहा है तब भी ये एंट्री करेगा एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर भी एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू P&L कर रहा था, यहाँ पर भी एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू P&L करेंगे। यहाँ पर हमने एक एंट्री करी थी बैंक डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी, बस इसी को ही यहाँ पर इन्होंने लिख दिया एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ईयर एंड पर जब गारंटी एक्सपायर हो गई तब ये प्रॉफिट बुक करा इन्होंने, बट यहाँ बात आ रही है कि बैंक ने ऑनर करा। इस बार बैंक ने ऑनर करा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक एंट्री थी CIA डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी 1,00,000 1,00,000। तो जो एसोसिएट लायबिलिटी थी इस बार बैंक को पे करनी पड़ेगी, तो बैंक का एंट्री करेगा एसोसिएट लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। पहली चीज तो ये बैंक पे कर देगा, बैंक बच्चों को पैसे पे कर देगा। अब बैंक जो है वो सर से पैसे मांगेगा, और बैंक को मान लेते हैं पैसे मिल जाते हैं, तो पैसे मिल जाते हैं तो एंट्री क्या करेगा बैंक? बैंक अकाउंट डेबिट टू CIA, बैंक डेबिट टू CIA। अब इसमें बात आती है अगर पैसे ना मिले तो बैंक जो है उसको राइट ऑफ कर देगा। सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, बैंक जो है वो प्रोविजन बनाता है स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड जो भी करता है, बट हम सिंपलिसिटी के लिए समझते हैं कि P&L डेबिट टू CIA करेगा बैंक अगर बैंक को पैसे नहीं मिलते। अब इसमें दो चीज़ें आती है, आपने यहाँ पर एक एंट्री करी थी CIA डेबिट टू एसोसिएट लायबिलिटी। तो ये जो CIA आपने बुक करा था ना, यहाँ पर ये
एफए है और ये जो एसोसिएट लाइबिलिटी है ये आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब ये एफए कैसे है, क्योंकि ये जो 1,00,000 रुपए की आपने कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एसेट है, पहले तो ये समझते हैं कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एसेट का मतलब क्या है। तो बैंक कहता है वी आर कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व इन एन एसेट दो द एसेट हैज बीन शोन एज फाइनेंशियल एसेट विद अस, तो बिकॉज ऑफ दिस एसेट देयर इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब कैसे है वो, CIA 1,00,000 रुपए का है आपका, आगे चल के क्लाइंट अगर नहीं पे करता पैसे तो आपको क्लाइंट से पैसे मिल जाएंगे इस सिक्योरिटी की वजह से, तो इसलिए आपने यहाँ पर इसको CIA दिखा रखा है। देखो ना आगे चल के हमने क्या बैंक डेबिट टू CIA करा जब पैसे मिल गए हमें, और हमने एसोसिएट लाइबिलिटी भी दिखा रखा है क्योंकि हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, तो मतलब इस CIA की वजह से ही तो ये एसोसिएट लाइबिलिटी अराइज हो रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे चल के बैंक को पैसे देने ही पड़ेंगे, बट बैंक को इसके साथ कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी रखी हुई है बैंक में क्लाइंट ने, तो उसके साथ बैंक को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हो सकता है कि भाई ना भी देने पड़े बट हो सकता है देना भी पड़ जाए, तो इसलिए ये वाली एंट्री की जाती है। तो ये जो CIA डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी करा 1,00,000, तो पहली चीज़ तो ये CIA थी, इसको क्या इसका हमने क्या समझा कि यहाँ पर लास्ट में जो है बैंक को अगर बैंक ओनर करता है तो क्लाइंट से पैसा मिल जाएगा ये वाला सारा, और लाइबिलिटी बुक करी है तो मतलब बैंक को पे करना पड़ सकता है एसोसिएट लाइबिलिटी टू बैंक, बाकी जो कमीशन लिए वो तो फायदा ही है बैंक का। तो एक तो चीज हो गई है, दूसरी चीज ईयर एंड पे इस गारंटी की अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, मान लेते हैं ऐसी सिमिलर गारंटी जो है आज के दिन में बैंक जो है वो 6,000 रुपए में दे रहा है, तो बैंक ने उस टाइम 10,000 रुपए लिए थे, अब जो है बैंक उल्टी एंट्री कर देगा एक तरह से एसोसिएट लाइबिलिटी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एसोसिएट लाइबिलिटी को क्रेडिट करा था, यहां पर एसोसिएट लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया है, प्रॉफिट है वो यहाँ पर P&L में डायरेक्टली दिखा दिया। प्रॉफिट कैसे हुआ, आज के दिन बैंक जो है सिमिलर गारंटी 6,000 रुपए दे रहा है, तो बैंक को तो 10,000 रुपए मिल गए थे ना इसी गारंटी के, तो बैंक आज के दिन में देगा तो 6,000 ही मिलेंगे, तो बैंक को तो 4,000 का आज के दिन में फायदा हो गया ना, तो इसलिए बैंक जो है ईयर एंड पे इसको रिवैल्यू कर देता है, और रिवैल्यू किससे करना है P&L के थ्रू इसको रिवैल्यू करना ही करना है, और लास्ट डेट पे जब ये एक्सपायर होता है तो बाकी के 6,000 भी ये यहाँ पर दिखा देता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसमें आपको करना क्या है, एक तो ये वाली एंट्री होगी, तो फाइनेंशियल गारंटी रिकॉर्ड एज एसोसिएट लाइबिलिटी रिवैल्यू थ्रू P&L, तो आपने एक फाइनेंशियल गारंटी जो दी तो आपने उसको क्या एसोसिएट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करा और आपने उसको रिवैल्यू भी करा थ्रू P&L। और दूसरी चीज आपको ये जो एंट्री करी आपने CIA डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी, यहाँ पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो राइट्स आपके पास आ सकते हैं बिकॉज ऑफ CIA, इस CIA जो एसेट है इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो राइट्स आपके पास फ्यूचर में आ सकते हैं पैसे रिसीव करने के, तो उसे आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और साथ साथ ये जो लाइबिलिटी थी इसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो एक FA था एक FL था, तो दोनों को यहाँ पर आपने डिस्क्लोज करा है। बाद में चल के अगर ये दोनों चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाती हैं एसोसिएट लाइबिलिटी टू CIA, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाती है, तो सेटल है तो कैंसिल हो जाएंगी, बट अगर पे करनी पड़ जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी है। बाद में अगर पे कर देते हो तो आपको क्या करना है, एसोसिएट लायबिलिटी को पे करना है और CIA को रिकवर करना है, हमने यहां पर देख लिया था कि कैसे करते हैं इसे। तो सिंपल सी थी, एक तो आप यहाँ पर P&L के थ्रू इसको रिवैल्यू करोगे और एसोसिएट लाइबिलिटी बुक करोगे, और साथ ही साथ इसका डिस्क्लोजर भी दोगे कि जो राइट्स आपके पास अराइज हो सकते हैं बिकॉज आप यू आर इन्वॉल्व इन दिस एसेट। वैसे सब कुछ ठीक रहा तो जरूरी नहीं है आप इन्वॉल्व हो आगे चल के, बट हाँ इन्वॉल्व होना पड़ सकता है अगर कुछ गड़बड़ होती है आगे चल के, तो इसलिए आपने यहाँ पर दिखाया कि आपके पास एक राइट भी है और एक साथ साथ एक लाइबिलिटी भी है। इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ डी रिकॉग्निशन। तो हम आ जाते हैं, हम डी रिकॉग्निशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्पेशल केस देखा था जिसमें एक स्पेशल केस था गारंटी। अब बात आती है कि इस बैंक के अलावा और कोई भी गारंटी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, जब सामने वाली पार्टियाँ अगर तैयार हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपके डेटर्स हैं, फाइनेंशियल एसेट है आपके लिए, अब उन डेटर्स को आपने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, और अगर मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ इसमें कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आपने उस चीज़ को ट्रांसफर कर दिया, अपने डेटर्स को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ थर्ड पर्सन को अपने डेटर्स को, और साथ साथ आपने लिख के गारंटी भी दी कि अगर ये जो डेटर है आज से तेरा हुआ बट आगे चल के ये तेरे को पैसे नहीं देता तो तुम मुझसे ले जाइयो, गारंटी दी है ना आज आपने, गारंटी दी है। तो बात आती है इसमें कि जिस आदमी को मैं कह रहा हूँ कि मेरे डेटर्स ले जा और साथ साथ मैं लिख के गारंटी भी देता हूँ, तो क्या इस गारंटी के पैसे मिलेंगे, तो हर कोई गारंटी के पैसे नहीं मिलते हैं, तो इस केस में इस गारंटी के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, बट आपने गारंटी तो फिर भी दी है, तो आप क्या एंट्री बुक करोगे, जिस दिन आपने गारंटी ले ली आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी, बैंक नहीं लिख सकता क्योंकि पैसे नहीं मिले आपको, गारंटी तो दी है ना, लेकिन तो एंट्री क्या लिखनी पड़ेगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी, और साथ साथ एक एंट्री और करोगे CIA डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी। और दूसरी एंट्री क्यों की गई है, यहाँ पर सिक्योरिटी तो नहीं है बट यहाँ पर एंट्री इसलिए गई है CIA डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी क्योंकि बाद में
बाद में अगर उस डेटर ने पैसे नहीं दिए तो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, इसलिए आपने एसोसिएट लाइबिलिटी बुक करी है, 1,00,000 रुपये आपको पे करने पड़ जाएंगे। और साथ ही साथ आप किससे रिकवर करोगे, आप तो डेटर को बोलोगे ना तेरी वजह से मेरे को लॉस हो गया तो तू दे पैसे मुझे, तो ये जो CIA है आपने इसलिए बुक करा है, बाद में चल के आप इसको डेटर से रिकवर कर लो। तो बाद में चल के अगर डेटर पैसे दे देते आपको तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू CIA, और आप पैसे पे करोगे पहले तो आप क्या एंट्री करोगे, एसोसिएट लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। तो इसमें हमने करना क्या क्या चीज़ें, इसमें FA जो है आपका फाइनेंशियल एसेट उसको तो आप कर दोगे डीरिकग्नाइज, जो आपका डेटर था उसका का पूरा डीरिकग्नाइज कर दोगे अपनी बुक्स में से, पहला काम तो ये करना है, ये अलग है। और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जो गारंटी ली दी है आपने वो उसकी ट्रीटमेंट अलग करनी है, उसकी अकाउंटिंग अलग है। तो आपने ट्रांसफ़र करें रिस्क एंड रिवार्ड विद गारंटी, रिस्क एंड रिवार्ड को करें विद गारंटी करें, तो गारंटी की क्या अकाउंटिंग करोगे आप, एक तो एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी, गारंटी को रिकॉर्ड कर दिया आपने, और दूसरी एंट्री क्या करी CIA डेबिट टू एसोसिएट लाइबिलिटी। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। बट इसमें एक बात आती है, जो हमने पीछे पढ़ा था विद रिकोर्स वाला कॉन्सेप्ट, वो और इसमें डिफरेंस क्या है आप देखें एक बार। विद रिकोर्स में क्या था, FA दिया और कहा कि ना मिले तो लौट आना, तो इसको आप इसको डीरिकग्नाइज नहीं करते थे, बट यहाँ पर जो गारंटी दी थी आपने तो इसको FA को तो डीरिकग्नाइज कर दिया था। तो इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं कि जो गारंटी वाला केस है वहाँ पर आपने FA को तो डीरिकग्नाइज कर दिया, मतलब आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करते ही आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के राइट भी तो चले गए, तो अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के राइट थोड़ी ना आपके पास। बट बाद में चल के उस डेटर ने पैसे नहीं दिए सामने वाली पार्टी को, तो उसकी वजह से आपको तो पैसे देने पड़ गए, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। अब आपका जो नुकसान हुआ है, अब आप सामने वाली पार्टी को सू कर सकते हो, जो डेटर है आप उसको सू कर सकते हो। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो CIA आपने लिखा है, ये जो आपके पास राइट है, इस राइट के तहत आप उससे पैसे मांग सकते हो। उसको तो डीरिकग्नाइज कर दिया था FA को, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपके अब है भी नहीं क्योंकि आपने तो ट्रांसफ़र कर दिया कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को, बट इस राइट के तहत आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो। बट विद रिकोर्स वाले केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पर आपने तो डीरिकग्नाइज ही नहीं करा था पहले तो। अब इसमें क्या होता है, अगर इसमें सामने वाली पार्टी जो डेटर्स है, डेटर्स ने उस पार्टी को पैसे नहीं दिए, तो वो पार्टी जो है वो कोई मेहनत वेहनत नहीं करने वाली उस डेटर से पैसे रिकवर करने के लिए, वो तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि क्योंकि फाइनेंशियल एसेट तो मैंने अभी भी दिखा रखे हैं, हमने कोई डीरिकग्नाइज थोड़ी ना करा है इसको। तो इस केस में विद रिकोर्स वाले केस में सामने वाली पार्टी डेटर से पैसे लेने की मेहनत नहीं करने वाली, मिले तो ठीक है ना मिले तो वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी डीरिकग्नाइज तो करा नहीं है, तो पैसा हम उसको रिकवर करके डेटर से रिकवर करके हम उसको दे देंगे। बट CIA में क्या था, यहाँ पर तो आपने पहले ही इसको डीरिकग्नाइज कर दिया तो आपका तो राइट भी खत्म हो गया था कैश फ्लो का, बट वहाँ पर तो विद रिकोर्स वाला जो केस है हम उसमें सामने वाली पार्टी जो डेटर है उससे पैसे रिकवर करके सामने और जो थर्ड पार्टी है उसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर इस केस की मैं बात करूँ तो एसेट तो यहाँ पर उसी का ही है, एसेट मेरा नहीं है, एसेट सामने वाली पार्टी का ही है, बट मेरे पास एक राइट है CIA का जिसके तहत मैं रिकवर कर सकता हूँ पैसे, यहाँ पर तो मैंने ट्रांसफर कर दिया ना, डीरिकग्नाइज भी कर दिया था। तो आगे आते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट और है, हमने एक गारंटी भी कर लिया, अब बचता है हमारा IRS। IRS के बारे में वैसे 2 या 3 क्लासों के बाद होने वाले IRS, तो सर ने अभी नहीं समझाया था इसको, अभी सर ने कहा था इसको होल्ड पे रखते हैं, बट फिर भी एक लाइन यहाँ पर लिखवा दी थी कि आपके पास एक FA है, आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का राइट है 1,00,000 रुपये का, और वो आपने राइट जो है उसका हैजिंग करवा लिया, हैजिंग करवा लिया, आप यूँ कहें कि आपने उस पर इंटरेस्ट रेट स्वैप ले लिया। तो अगर आप इस FA का जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है आपके उस पर IRS करते हो, या यूं कहूँ कि हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो, तो इस केस में आप इसको क्या डीरिकग्नाइज कर सकते हो, इसको डीरिकग्नाइज नहीं कर सकते, डिटेल में हम आने वाली क्लास में समझ लेंगे। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है जैसे यहाँ 1,00,000 रुपये का जिस पे आपने IRS करवा लिया है, तो क्या उसे आप डीरिकग्नाइज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी इतना ही समझते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म होता है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो उससे रिलेटेड पहले एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वो एग्जांपल। ए लिमिटेड टू का लोन ₹4.10 lakh फॉर 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड इज 9%। ए लिमिटेड इज टू पे इक्वल प्रिंसिपल ईच ईयर, प्रोसेसिंग फीस पेड ₹1 lakh एट द टाइम ऑफ लोन, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ए लिमिटेड डिफॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट एंड बैंक एग्रीड टू रिस्ट्रक्चर इट अंडर न्यू टर्म्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, लोन टर्म इज 5 years फॉर करंट डेट, फ्रॉम करंट डेट प्रिंसिपल विल बी पेड इक्वली ओवर 5 years, प्रिपेयर FL अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए लिमिटेड ने लोन लिया है 10,00,000 रुपये का,
पाँच साल के लिए लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस लोन पे वो 9% है, और ए लिमिटेड इसको इक्वल प्रिंसिपल पाँच साल में इक्वल इक्वल प्रिंसिपल देगी, 10 लाख है तो 2-2 लाख प्रिंसिपल हर साल देना पड़ेगा, और एक प्रोसेसिंग फीस भी पे करी है इन्होंने 1 लाख रुपये की एट द टाइम ऑफ लोन ही वो पे कर दी है। और आगे चल के कहता है कि सेकेंड ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया ऑन इट्स पेमेंट एंड बैंक एग्रीड टू रीस्ट्रक्चर। अब रीस्ट्रक्चर के बाद न्यू टर्म के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 12%, और इसके भी 5 साल का ही टर्म है, प्रिंसिपल इसमें भी इक्वली ही पे किया जाएगा ओवर 5 ईयर्स। आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट तो इन्होंने यहाँ पर चलो बोल दिया, लेकिन इसको पढ़ के आपको ये समझ आता है कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है आपके लिए, आपने जो 10 लाख का लोन दिया आपको आगे पेमेंट करनी पड़ेगी, इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज होंगे आपके यहाँ से। तो इसको देख के आपको क्लियरली समझ आ रहा है, पहली चीज़ तो ये कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, तो क्या कहता है सोल्यूशन, एट Y0 लोन इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड एट ACM। ACM पर क्यों करा है, हमने इसको और किस पे कर सकते हैं, FVTPL पे भी कर सकते हैं अगर डेरिवेटिव हो तो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी केस में या तो ACM पे कर सकते हो या तो FVTPL पे कर सकते हो, तो ये डेरिवेटिव तो है नहीं, तो किस पे करोगे इसको रिकॉर्ड, आप ACM पे रिकॉर्ड करोगे। तो जब हम ACM पर रिकॉर्ड करते हैं तो याद है आपको हम एक चार्ट देखा था, हमने उसमें फेयर वैल्यू देखते थे इसकी, क्या एक तो था कि प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से, प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से इसकी फेयर वैल्यू आ जाती है, और दूसरी चीज़ जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है, जैसे इस केस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू से भी आपकी फेयर वैल्यू आ जाती है। तो जो प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करके आपकी फेयर वैल्यू आई है और जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज है उनसे जो आपकी फेयर वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होनी चाहिए, तो इस केस में आप IRR निकालते थे। आई होप आपको ये सब बेसिक चीज़ें तो याद ही होंगी, फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर ही लिया ओरली। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको IRR निकालना पड़ेगा। पहली चीज़ प्रोसीड्स कितनी है आपकी, 10 लाख, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए की। तो आपको नेट पैसे मिले कितने आज, तो आपको आज के दिन आपके हाथ में जो पैसे आए हैं वो आए हैं 9 लाख रुपए। और दूसरी चीज़ हम कैसे कहते थे, इसी फेयर वैल्यू को आप दूसरे तरीके से भी कैसे निकाल सकते हो, कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं आपके, जो आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू है वो भी यही होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज कितने आपके, 2-2 लाख रुपए के हैं ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे। तो ऐसे करके 5 साल तक आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज होंगे आपके, और इसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अभी तक हमने कई सारे केस देखे हैं उसमें लास्ट में ही प्रिंसिपल रीपे होता था, बट इसमें हर साल प्रिंसिपल रीपे है, तो इसलिए हर साल प्रिंसिपल का यहाँ पर दिखा रखा है। वैसे जनरली जो हमने अभी केस देखे हैं अभी तक उसमें हम इंटरेस्ट दिखाते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है, तो टोटल आपका इतने पैसे जा रहे हैं। तो ये जो पैसे जा रहे हैं आपकी जेब से इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी तो यही 9 लाख ही होनी चाहिए, तो मैं इसको किस रेट से डिस्काउंट करूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 9 लाख आ जाए, तो वो जो रेट है वो आपको निकालना पड़ता है। आई होप आपको IRR निकालना आता होगा। तो इसमें IRR हमने पहले से निकाल रखा है, तो IRR हमारा आया 13.42%, इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सिंपल सी चीज चल रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो लोन लिया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो लेजर बनाना पड़ेगा आपको। तो आज के दिन Y0 पर आपको लोन मिला 10 लाख रुपए का, और Y0 पर ही आपने प्रोसेसिंग फीस जो आपने पे करी है 1 लाख रुपए। फिर ईयर 1 के एंड पर आप कितने रुपए पे करोगे, 2 लाख और 90 हज़ार, 2 लाख 90 हज़ार की किस्त लग जाएगी आपकी। तो आपने 2 लाख 90 हज़ार पे मान लेते हैं पे कर दिए, यहाँ पर पहले साल में कोई डिफॉल्ट तो था नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब फर्स्ट ईयर के एंड पे फाइनेंस कॉस्ट भी तो बुक करनी पड़ेगी आपको। IRR किस लिए निकाला है, ट्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही है ना, तो इस चीज़ को तो हम पहले ही समझ चुके हैं अच्छे से कि हम इसको ट्रू रेट कहते हैं, जो भी IRR वाला रेट है उस रेट के हिसाब से आपको अपनी बुक्स में फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी होती है। तो आपका ईयर 1 के एंड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 9 लाख, उस पे आपने 13.42% फाइनेंस कॉस्ट बुक करी, जो कि ये अमाउंट आता है। और अब आप बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और इसको आप ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, तो आपका बैलेंस BD आ गया 730780। तो इस साल में भी आपने क्या करना है, इस साल के एंड पे भी आपको फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करने, इसी पे ही आप 13.42% इंटरेस्ट रेट लगा के आपका ये फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा। बट अब क्या बात आती है, ईयर 2 के एंड पर इसने पेमेंट ही नहीं करी, डिफॉल्ट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा था ना, एट द एंड ऑफ ईयर 2 ए लिमिटेड डिफॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट एंड बैंक एग्री टू रीस्ट्रक्चर इट अंडर न्यू टर्म्स, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। बट पहली चीज़, यहाँ इसने डिफॉल्ट करा है तो बैंक से तो पैसे गए ही नहीं है इसके, तो अब ये बंदा क्या करता है, अब ये बैंक के पास जाता है,
और कहता है बैंक जी मेरे पास तो पैसे आज है नहीं आपको पैसे पे करने के लिए, तो क्या आप मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो बैंक कहता है ठीक है रीस्ट्रक्चर तो कर दूंगा लेकिन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। अभी तक जैसे यहाँ पर 9% लगा रहे थे, अब से आप 12% पे करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। तो ये कहते हैं कि ठीक है 12% तो कर दो, लेकिन आप जो है मुझे 5 साल का ही टाइम दे देना दोबारा से पूरे प्रिंसिपल को रीपे करने के लिए, और सारा प्रिंसिपल जो है इस बार भी इक्वल इक्वल अमाउंट्स में बटेगा। तो ये केस है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लोन। अब वो चीज़ कैसे होती है उसको हम यहाँ से एक चार्ट से समझ लेते हैं। तो आपने लोन लिया था 10 लाख रुपए का पहले, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए थी, जिसका 5 किस्तों में आपको पे करना था। तो सेकंड ईयर पे आके आपने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया और यहाँ से आपका एक दोबारा से आपने इसको रीस्ट्रक्चर करवा लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रीस्ट्रक्चर लोन है उस पर कितना है 12%। अब बात आती है कि प्रिंसिपल कितना ड्यू है। तो बैंक आपसे पूछता है आप बताओ कि प्रिंसिपल कितना ड्यू है आपकी बुक्स में। तो हमने कैलकुलेट करा कि 7,30,780 और 98,071 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 828,850। तो ये 828,850 हमारे हिसाब से पैसा इतना ड्यू है। तो हमारे हिसाब से तो पैसा इतना ड्यू था, बट बैंक कहता है आपके हिसाब से जो प्रिंसिपल ड्यू है उसकी ऐसी की तैसी, उसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो बैंक अपनी बुक्स में जो है जो निकालता है वो प्रिंसिपल, वो आता है 872,000। अब ये अमाउंट कैसे आया, 10 लाख रुपए थे, आपने बैंक को कितने पैसे पे कर दिए 2 लाख रुपए, बचे कितने 8 लाख रुपए। लेकिन इस पे ईयर एंड सेकंड ईयर का एंड है, तो सेकंड ईयर के एंड तक तो इस पे ब्याज भी लग गया होगा। तो 8 लाख का 9% पे ब्याज कितना होता है 72,000। तो 72,000 तो ये हो गया, तो टोटल हो गया 8,72,000 एज पर बुक्स ऑफ द बैंक। तो बैंक की बुक्स के हिसाब से जो प्रिंसिपल ड्यू है वो कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर। तो बैंक कहता है कि ये जो 8,72,000 रुपये आपके ड्यू है इसको 5 किस्तों में आप दोगे, तो हर किस्त कितने की बनेगी आप की? प्रिंसिपल है, अब ये न्यू प्रिंसिपल आप इसको क्या हो गया, न्यू प्रिंसिपल। पुरानी चीज़ें भूल जाना कि इसमें 72,000 रुपये का जो है ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ये वो कुछ नहीं इसमें चलने वाला। अब जो न्यू प्रिंसिपल है आपका, जो अमाउंट ड्यू था बैंक ने उसी को ही 5 किस्तों में अब दोबारा से बांट दिया और हर किस्त पे आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसे कहते हैं आप कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये आपका एक तरह से रिवाइज्ड एग्रीमेंट है, रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि बैंक कैसे कैसे आपका अब रिवाइज करने वाला लोन को। इसमें आपको कैलकुलेट करने रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लोन, दोबारा से वैल्यू निकालनी है आपको लोन की। दोबारा से वैल्यू कब कैसे निकाल सकते हो, रिवाइज्ड कैश फ्लो के हिसाब से। अब आपकी जेब से हर साल कितने जाएंगे आपके 174,400, ये तो आपकी किस्त थी, हमने देखा था यहाँ पर कि हर साल किस्त कितनी है इतनी, और इंटरेस्ट भी है जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो पहले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था आपका ईयर एंड तक, 872,000 का 12% इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल पहले साल का आपका कैश फ्लो कितना होने वाला है पहले साल के एंड में, 279,040। अगर मैं दूसरे साल पे आ जाऊँ, इसमें भी आपको प्रिंसिपल तो पे करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इसी। अब ये प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट कितना रह जाएगा इस पे, मूलधन में से आपने कितने पैसे पे कर दिए, मूलधन था आपका 872,000 जिसमें से आपने 174,400 पे कर दिए। तो 872 में से पहली किस्त चली गई, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना उस पे आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 12% के हिसाब से। तो यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन लिखा हुआ है 258,112, ऐसे करके पाँचों साल का रिवाइज्ड कैश फ्लोज लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज जो आपके होने हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर निकाले थे हमने भी यहाँ पर दोबारा से निकाल दिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज जो कि रिवाइज्ड है। बट इसमें बात यह आपको ये चीज़ याद रखनी कि इसको ओरिजिनल रेट पे ही आपको डिस्काउंट करना है, बताऊंगा रीजन क्यों, बट अभी के लिए आपको इसको ओरिजिनल रेट के हिसाब से ही इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इस रेट के हिसाब से जो कि था आपका 13.42% हमने निकाला था, तो उस रेट के हिसाब से जब आप इसकी रिवाइज्ड फेयर वैल्यू निकालोगे तो आपकी आएगी 843,978, बट आपके बुक्स में कितनी वैल्यू थी इसकी 828,850 जो हमने यहाँ पर टोटल करके देखा था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो है आपका 15,128 जो कि है आपकी एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ लोन। तो ये आपकी जो एडिशनल लाइबिलिटी खड़ी हुई है, अब एडिशनल लाइबिलिटी अराइज हुई है, इसमें इंड एएस कहता है कि ये जो एडिशनल लाइबिलिटी है इसका सब्सटेंशियल टेस्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब देखना पड़ेगा कि ये सब्सटेंशियल है या नहीं। ऐसा कौन कहता है, इंड एएस कहता है। तो सब्सटेंशियल टेस्ट कैसे करते हैं हम, एडिशनल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इनटू 100। एडिशनल लाइबिलिटी कितनी थी 15,128 और आपकी बुक वैल्यू कितनी थी 828,850, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका कितना आया 1.83%। अब 1.83% का क्या करना है, इसमें इंड एएस कहता है ये जो आपने सब्सटेंशियल टेस्ट करा है, तो इंड एएस सेज अगर ये 10% या 10% से ज़्यादा है, 10% या 10% से ज़्यादा है
तो एडिशनल लाइबिलिटी जो है आपके यहाँ पर अराइज हुई है, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी थी, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपने यहाँ पर बुक करी थी पुराने वाली, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आपको डी रिकोगनाइज करना पड़ेगा। इन दिस केस आपको एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगानी पड़ेगी। अभी समझेंगे वो कैसे लगाते हैं एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। बट अगर लेस देन 10% हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग तो लगानी है, बट इसमें इंडिया ने ये नहीं बताया कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगानी कैसे, उस बारे में वो साइलेंट है। बट आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में दो चॉइसेस दे रखी है, एक तो रिवाइज आईआरआर कर सकते हो और या तो फिर लाइबिलिटी रिवाइज कर सकते हो, या तो रिवाइज आईआरआर या तो लाइबिलिटी रिवाइज। पहले एक समझ लेते हैं, तो ये दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास। इस केस में हमने देखा कि यार 10% से कम था तो आप क्या यूज़ करोगे इसमें, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग यूज़ करोगे, जिसमें से आपको चॉइस मिलती है रिवाइज आईआरआर भी कर सकते हो, लाइबिलिटी को भी रिवाइज कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप फर्स्ट चॉइस यूज़ करते हो कि भाई आईआरआर को रिवाइज करना है, तो इसका आपको कैसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा अब आगे के लिए। जहाँ तक हमने करा था वो तो करा ही था, बट अब आगे आपको क्या करना है, आपकी बुक वैल्यू कितनी थी अभी तक, ओरिजिनल बुक वैल्यू 828850, यहाँ पर आपने देखा था कि कितने पैसे खड़े हुए थे 828850 आपके हिसाब से, आपकी बुक वैल्यू इतनी थी। तो आपने इसके बाद रिवाइज्ड कैश फ्लोज निकाले, यहाँ पर हमने निकाले थे जो सारे रिवाइज्ड कैश फ्लोज, ये भी निकालने हैं आपको। ये मॉडिफिक यहाँ तक तो आपको ये करना ही है सब्सटेंशियल टेस्ट तक, इसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं क्या करना है। तो आपको यहाँ पर रिवाइज्ड आईआरआर निकालना है। तो ये जो 828850 हैं और ये जो कैश फ्लोज हैं आपके रिवाइज्ड कैश फ्लोज, तो अगर ये रिवाइज्ड कैश फ्लोज को मैं ओरिजिनल जो आपका रेट था 13.42% उसके हिसाब से डिस्काउंट करूंगा, तो क्या ये 828850 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने यहाँ पर देखा था कि अगर आप ओरिजिनल रेट के हिसाब से इसको डिस्काउंट करते हो तो आया था 843978। तो मैं इसको कौन से रेट पे डिस्काउंट करूं कि ये 828850 आ जाए? तो यही रेट है आपका रिवाइज्ड आईआरआर, जो आप रेट निकालेंगे इन दोनों को उसमें आपका जो रेट आएगा वो आएगा 14.22% आईआरआर का रेट। आई होप आपको ये चीज़ तो आती ही होगी कि आईआरआर कैसे निकालते हैं। तो 14.22 जो आपका रेट है वो आपका है रिवाइज्ड आईआरआर। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं, 14.22% के हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट लगाओगे आप। कैसे बनता है इसका देखते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमने यहाँ तक तो बना ही दिया था, ईयर टू के एंड तक यहाँ पर बना दिया था, फिर बैंक में तो पैसे पे करे नहीं हमने। अब इसके आगे का बता रहा हूँ मैं, इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना है और उसके आगे क्या करना है वो बता दें। ईयर टू के एंड पर आपको 828850 यहाँ पर आप देखो, ये भी चीज़ लिखनी है, ये भी चीज़ लिखनी है, उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस सी डी 828850, अब वो बन जाएगा बैलेंस बी डी। अब उसी को हम यहाँ से देखते हैं कि भाई बैलेंस बी डी तो बन गया है। अब आप ईयर थ्री में आप क्या करोगे, फाइनेंस कॉस्ट कितनी लगाओगे 14.22 के हिसाब से। सेकंड ईयर में तो पे ही नहीं करे ना आपने, तो सेकंड ईयर के एंड में तो कुछ पे ही नहीं करे। अब रीस्ट्रक्चर कर लिया तो थर्ड ईयर के एंड से पे करना स्टार्ट करोगे ना, तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी लगेगी, इतने परसेंट के हिसाब से इतनी आपकी फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी। और बैंक में कितने पैसे पे करोगे आप, 279040। सिंपल सा है, सिंपल सीधे आपने आईआरआर को रिवाइज रेट निकाल दिया। अब आगे के लिए ईयर टू पे तो पैसे पे नहीं करे, बट आगे के लिए आपको क्या रेट पे फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है, इस रेट पे। तो यही था इसमें, और कुछ था नहीं, और बाकी आपका बैलेंस शीट बचेगा। ऐसे ही कंटिन्यू करके आप एंड तक जाओगे फिफ्थ ईयर तक। अब दूसरी जो चॉइस थी आपकी थी कि लाइबिलिटी को ही रिवाइज कर दो। अब इसको भी समझते हैं कि कैसे करना है। तो ये मैंने सेम ही कॉपी कर दिया वहाँ से। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो रिवाइज लाइबिलिटी वाला, यहाँ तक तो हमने कर ही दिया था, ये वाला स्टेप तो हम कर चुके थे। अब क्या करना है आपको, आपने अभी यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट करी थी रिवाइज वैल्यू ऑफ लोन, उसके हिसाब से जो एडिशनल लाइबिलिटी आई थी आपकी, तो वो एडिशनल लाइबिलिटी बुक करनी है आपको, क्योंकि क्या बोला गया कि आपको लाइबिलिटी को रिवाइज करना है। लाइबिलिटी को रिवाइज करने का क्या मतलब है, आपको ये एडिशनल लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। यहाँ पर आईआरआर नहीं निकालने की आवश्यकता, बट यहाँ पर आपको लाइबिलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको ये एडिशनल लाइबिलिटी अपनी बुक्स में लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15128। तो इसी चीज़ को मैंने दोबारा से आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बाय पीएनएल में कितना आएगा, 15128। तो और इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, इस साल तो पैसे तो पे नहीं करने ना आपको, तो बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 843978। और ये बैलेंस सीडी बन जाएगा बैलेंस बीडी। और अब आप जो फाइनेंस को चार्ज करोगे, इस केस में आप 13.42% यहाँ पर चार्ज करना है आपको। अभी हमने आईआरआर को रिवाइज करा था, तो रिवाइज आईआरआर के हिसाब से हम फाइनेंस को चार्ज करते, बट यहाँ पर आपको 13.42% के हिसाब से अपनी फाइनेंस कॉस्ट को बुक करना है। और बैलेंस जो आपका पेमेंट करनी है वो तो उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है। रिवाइज आईआरआर वाला जो केस था वहां पर भी यही था और यहां पर भी यही है, पेमेंट तो सेम ही है आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लो तो सेम ही रहेगा, बट फाइनेंस कॉस्ट चेंज हो जाएगी। और लास्ट में आपका बैलेंस शीट बचेगा, इसी को ही आप कंटिन्यू करके एंड तक लेके जाओगे। क्या एक बात आती है इसमें और उसमें फर्क है, अगर रिवाइज आईआरआर में और रिवाइज लोन में आपका कुछ चेंज आएगा? हाँ, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही आपके अकाउंटिंग में।
आपका यहाँ फाइनेंस कॉस्ट अलग रेट पे लग रहा है, वहाँ पर अलग रेट पे लग रहा है, तो यहाँ पर ये फर्क आ जाता है। तो एक तो चीज़ हो गई है। अब दूसरी बात आती है कि अगर 10% से ज़्यादा होता तो क्या करते, तो आप एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाते। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपकी जो पुरानी वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसको आप डीरिकॉग्नाइज कर देते हैं। इस केस में तो नहीं था ये, बट मान लेते हैं कि अगर इस केस में भी अगर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएं, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो सब्सटेंशियल टेस्ट है वो 10% से ज़्यादा है, तो आप क्या लगाओगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या करना होता है, जो पुराने वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, पुराने वाले लेजर को क्लोज करना होता है आपको, पुराने वाला लेजर जो आपका बंद हो जाएगा। तो पुराने वाला लेजर आप ये बना रहे थे, तो ये वाला लेजर आज यहाँ पर, ये लेजर तो है यहाँ पर ही बंद हो जाएगा। आपका क्या करना है, आपको इसमें एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में जो पुराने वाली लाइबिलिटी है वो आपकी लाइबिलिटी चली जाएगी और एक नई लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी आपकी। तो आपको करना क्या है इसमें, तो इस केस में बैंक बताएगा आपको कि आपको कितने पैसे आप पे करने हैं। मान लेते हैं कि बैंक ने बोला कि आपको 8.5 लाख रुपए में डील कर दी बैंक में, नहीं ठीक है आपकी नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो 8.5 लाख रुपए है, तो 8.5 लाख रुपए की आपकी नई लाइबिलिटी आ गई और पुरानी लाइबिलिटी चली गई, आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो नई लाइबिलिटी है तो इसमें ऑब्वियसली आपको न्यू IRR तो निकालना ही पड़ेगा, बट इसमें बात आती है कि इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, एक्सटिंग्विश्ड अकाउंटिंग करना कैसे है। तो क्वेश्चन 109 है, आपको क्वेश्चन की बुक की PDF मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसमें बताता हूँ इस क्वेश्चन में किया क्या हुआ है। पहले साल तो कोई दिक्कत नहीं रही, यहाँ पर दूसरे साल में फाइनेंस कॉस्ट बुक करी, बट यहाँ पर आपने पेमेंट नहीं करी। पेमेंट किसकी नहीं करी, प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं करी, इंटरेस्ट की तो पेमेंट कर दी थी आपने यहाँ पर। तो आपने इसको टोटल करके इसमें से माइनस करा तो ये आपका अमाउंट आया। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है, आपने ये अमाउंट था आपका यहाँ पर 10 करोड़ रुपए थे। मैं क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। 10 करोड़ प्लस आपको इंटरेस्ट पे करना था, तो आपने यहाँ पर 10 करोड़ तो पे नहीं करा, इंटरेस्ट तो पे कर दिया आपने, बट डिफॉल्ट तो हो गया। तो इस डिफॉल्ट के केस में आप क्या करोगे, इसमें आप दोबारा से रिवाइज वैल्यू ऑफ लोन निकालोगे। जैसे हमने देखा यहाँ पर भी निकाली थी रिवाइज वैल्यू ऑफ लोन, यहाँ पर भी सेम ही तरीके से आपको यहाँ पर भी रिवाइज वैल्यू ऑफ लोन निकालनी है। तो बैंक की जो टर्म्स थी वो कुछ यूँ थी कि बैंक ने बोला कि आपको 40 करोड़ रुपए पे करने और 10 किस्तों में पे करने, इक्वल किस्तें होंगी और सब पे 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इसमें आप अगर 11.50% जो कि ओरिजिनल रेट था उसके हिसाब से आप इसको निकालोगे तो आएगा आपका 45.15, बट बुक्स में आपकी कितना था 39.749। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 39.749 कैसे आया होगा, आपका जो ये वाला अमाउंट है तो पूरा ही ले लिया, बट इस फाइनेंस कॉस्ट में से इतना पैसे पे कर दिया, जो डिफरेंस है वो भी ले लिया। तो 39.5955 प्लस वो जो डिफरेंस है उन दोनों का वो ऐड करोगे तो आपका आएगा 39.749। और एडिशनल लाइबिलिटी आपकी कितनी राइज हो जाएगी, सेम ही चल रहा है जैसे अभी हमने उस क्वेश्चन में करा था, बट यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको न्यू IRR तो निकालना ही पड़ेगा। अब न्यू IRR कैसे निकालें, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको न्यू लाइबिलिटी कितनी है आपकी। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंसिंग फिगर था वो आपका नई लाइबिलिटी बन जाता है 39.749 आपके हिसाब से बना है, लेकिन बैंक ने बोला आपकी अब पुराना वाला खाता बंद हो गया जो पिछले पेज पे दिखाया, अब न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनी है। तो ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी से ही तो न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी आई है, ओल्ड वाली तो बंद हो गई, तो इतने की तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनी, बट बैंक के हिसाब से कितनी है, बैंक ने बोला कि 40 करोड़ देने पड़ेंगे। तो P&L में जो आपका डिफरेंस है वो आपका P&L में चला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इस अमाउंट का और इस अमाउंट का, ओल्ड लाइबिलिटी और न्यू लाइबिलिटी का डिफरेंस है वो P&L में चला जाएगा, और आपकी जो न्यू लाइबिलिटी है वो है 40 करोड़। तो इस साल तो आपने वाले पैसे पे करे नहीं है, अगले साल से पे करोगे तो ये वाला तो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आपका 40 करोड़। अब आपको देखना है जो बुक वैल्यू है आपकी 40 करोड़, बुक वैल्यू 40 करोड़ है तो इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू भी तो इतनी ही होनी चाहिए, तो इसमें आपको IRR निकालना पड़ेगा। तो जो भी न्यू IRR होगा उसके हिसाब से आप फाइनेंस कॉस्ट बुक कर देंगे और यहाँ पर लास्ट में एक जनरल एंट्री भी कर देंगे। आपने यहाँ पर सब्सटेंशियल टेस्ट करा था उससे आपको पता लगा था कि यहाँ पर आपको एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगानी है। इस वाले आंसर का भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज वाली क्लास के नोट्स में। और तो यही था आज के लिए, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, एंड आई होप आपको आज क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, प्लीज़ इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।